हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल हिट्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स। तो मैथ्स जो मैं पढ़ाऊँगी क्लास एट की पढ़ाने वाली हूँ। क्लास एट की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, किस तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे सेशन को, क्या टाइमिंग होंगे, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? तो अब मैं आपके साथ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी सिलेबस, कि क्या हमारा सिलेबस होगा और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। तो सिलेबस की तरफ एक बार नज़र मारते हैं। ये है हमारा सिलेबस, वन सेकेंड। ओके, सो ये जो सिलेबस है आपको एडुडेल की साइट पे मिल जाएगा, बाकी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सिलेबस मैं आपको दिखा रही हूँ ये है आपका गवर्नमेंट स्कूल का। हर स्कूल का सिलेबस वेरी कर सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले ये जो है ये है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजीज रहेंगी वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर वन जो है रैशनल नंबर, वो हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर टू लीनियर इक्वेशन इन टू और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर थ्री आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर नंबर फोर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर सिक्स जो कि है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। चैप्टर नंबर सेवन, चैप्टर नंबर एट। तो ये आपका जो सिलेबस है वो हो गया आपका एसए वन का। ओके, तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म में आपका आने वाला है चैप्टर नंबर फाइव डेटा हैंडलिंग, चैप्टर नंबर नाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, चैप्टर नंबर टेन विजुलाइजेशन सॉलिड शेप, चैप्टर नंबर इलेवन मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर ट्वेल्व एक्सपोनेंट एंड पावर, चैप्टर नंबर थर्टीन जो है आपका वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर फोर्टीन है आपका फैक्टराइजेशन, फिफ्टीन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एंड सिक्सटीन प्लेइंग विद नंबर्स। तो टोटल आपके सिक्सटीन चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपके ऐसे वन में आएंगे और कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे टू में आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमारे सारे चैप्टर टाइम पे ख़त्म हो जाए, हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ अपनी स्क्रीन पे और मैं डिस्कस करूँगी अपनी स्ट्रैटेजी। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी, सबसे पहले हम बेसिक कवर करेंगे इस चैप्टर का। जो भी चैप्टर्स हैं हमारे, सबसे पहले हम उनके बेसिक को समझेंगे, फिर हम एनसीईआरटी पे आएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊँगी। और मैं एक चीज़ बता दूँ, 80-90% चांस है कि वो क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अच्छे से करना है। करने आपको सारे ही हैं लेकिन वो क्वेश्चन आपको अच्छे से करने होंगे। ओके, फिर जब हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे हम एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो मैं आपको अलग अलग बुक डिफरेंट बुक्स में से दूंगी जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी ना करा के, मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमम कवर करा दूं अलग अलग सोर्सेस से। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बेसिक, देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, फिर एग्जांपल्स भी बताऊंगी, उसमें भी इंपॉर्टेंट बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी वेटेज एग्जाम में बहुत होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो रात को 8 बजे मिलेंगी, ऑल्टरनेटिव डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। और संडे को हम वार्ता रखेंगे जिसमें जितने भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट में वो मैं सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।